दिल्ली अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। सबको मालूम है कि उसमें हमें सेटबैक लगा है पूरी कांग्रेस पार्टी को, और ऐसे वक्त में दिल्ली हेडक्वार्टर में आए बातचीत करें ये स्वाभाविक है। मेरा ही नहीं बल्कि जितने सीनियर नेता हैं वो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, एकजुटता दिखाते हैं। ऐसे वक्त में ये आवश्यक होता है। आज इतना बड़ा डिबेकल हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम ऐसे वक्त में जिस पार्टी ने लंबे समय से हमें अवसर दिए काम करने के, लंबे अरसे हम पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे वक्त में एकजुटता दिखाना आवश्यक है। इसीलिए दिल्ली में ऐसे वक्त में आना स्वाभाविक होता है, कोई नई बात नहीं होती है। पहले भी ऐसे वक्त आए हैं, तब भी हम लोग आते थे। पार्टियां उभरी भी है और वापस सत्ता में भी आई है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी के जमाने के अंदर एक वक्त आया था, इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी परंतु हिम्मत नहीं हारी थी, और पूरे देश के अंदर ऐसा मैसेज दिया। उन जो आंधी चली वापस सत्ता में आए और 25 साल तक हम लोगों ने शासन किया देश के अंदर। 98 के अंदर पार्टी बिखर रही थी, उस वक्त के अंदर भी एक वक्त आया था। सोनिया गांधी जी के हाथ में कमान दी गई, उसके बाद में 20 साल तक वो अध्यक्ष रही, 10 साल तक हम लोग सरकार में रहे दिल्ली के अंदर, 17 राज्यों में सरकार हमारी बनी उस वक्त में भी। ये हार और जीत तो चलता रहता है, लोकतंत्र में स्वाभाविक होता है। हम लोग हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी कोई किसी दुश्मनी नहीं है, अदावत नहीं है, ये इश्यू पे राजनीति लोकतंत्र होनी चाहिए। उससे हटके राजनीति की गई मोदी जी द्वारा, और किस प्रकार ध्रुवीकरण किया गया वोटों का, हिंदुत्व की बात, देश प्रेम की बात, पाकिस्तान के अंदर जो फौजों ने पराक्रम और शौर्य दिखाया हम सबको गर्व है, पर उनको भी श्रेय लेने की बात। तो इस प्रकार से एक माहौल ऐसा बना दिया पूरे देश के अंदर, हम गुस्के घर में गुस्के मारते हैं। अरे इंदिरा गांधी के जमाने में तो गुस्के नहीं मारा, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, और हमारी फौजों ने पराक्रम और शौर्य दिखाया उस वक्त में भी। हम लोग युद्ध को जीते थे और 93,000 सैनिकों को मेजर जनरल कर्नल सबको सरेंडर करवा दिया हथियारों सहित, वो वक्त में था देश के अंदर। और अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा हाउस के अंदर पार्लियामेंट में, इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है, वो वक्त भी हमने देखा है। इसलिए इस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है, ये कोई विचारधारा का आधार नहीं लड़ा गया है, कोई प्रोग्राम पॉलिसी प्रिंसिपल क्या है, गरीबों के लिए, किसान के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए क्या आपके पास प्लान है, उस पर नहीं लड़ा गया है। भावात्मक मुद्दे लेके लड़ा गया, उसमें वो कामयाब हो गए। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उसके नेता घबराने वाले नहीं है, हमें दम कम है, देश को बचाना हम लोगों को है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जो कांग्रेस रक्षा करती आई 70 साल तक, ये हमारा मानना है। सर ऐसी बात चली कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है, जैसे सीटीएमसी ने मना कर दिया। वो तो कल वर्किंग कमेटी में बात सबके सामने आ चुकी है, उन्होंने पेशकश करी और पूरी वर्किंग कमेटी ने एकजुट होकर के एक स्वर के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया उनकी विनती को, और कहा गया कि आप कोई कमान संभालनी है। और राहुल गांधी में दमकम है मोदी जी का एनडीए का मुकाबला करने का, जो उन्होंने दिखाया 5 साल तक। हारते हम कोई घबराने वाले नहीं है, हार सकते हैं, परंतु हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है कांग्रेसजनों के अंदर। कल बैठक है कोई समीक्षा के लिए? जब यहाँ आते हैं तो आप मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए बात करते ही करते हैं। तो हमें चिंता ये भी है कि अभी राजस्थान के अंदर टिड्डी दल आ गया है, पाकिस्तान की तरफ आता है और वो हमला करता है हमारे यहाँ पर, फसलों को नष्ट कर देता है। अभी हमला किया हुआ है जैसलमेर पर, हमने अपने विभागों को कहा है कि आप केंद्र सरकार के संपर्क में रहें, क्योंकि केंद्र सरकार ही इस वक्त में आगे आकर के जो आवश्यक कदम उठाते हैं उनको उठाने पड़ते हैं। पहले भी ऐसे हमले हुए हैं, फसलें चौपट नहीं हो जाए किसानों की, वो चिंता मुझे लगी हुई है। वो बात भी मैंने मेरे अधिकारियों से करी है, वो संपर्क में है, जरूरत पड़ेगी और आगे कार्रवाई करेंगे।
सर सीडब्ल्यू सी जो बैठक में कहा गया कि राहुल गांधी नाराज थे और खास करके कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बेटों का जो चुनाव लड़ना उसको लेकर के खबरें छपी है यहाँ दिल्ली के अखबारों में। देखिए खबरें तो छपती रहती है और कौन सी बात किस संदर्भ में होती है वो संदर्भ बदल जाते हैं मीडिया के अंदर, मीडिया में संदर्भ बदल जाते हैं और जब संदर्भ बदल जाता है तो जो न्यूज छपती है उसके दूसरे मायने निकलते हैं। ये पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं और राहुल गांधी जी को अधिकार है कहने का, क्योंकि वो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको सब अधिकार है कि किस नेता की कहाँ कमी रही कैंपेन के अंदर, किस नेता की कहाँ निर्णय में कमी रही, वो ऐसे वक्त में जब पोस्टमार्टम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की अधिकार उनका है, स्वाभाविक है वो कमियां बताएंगे सबको, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किए हैं। पर जो बातें अखबारों में आती हैं कि संदर्भ में कही गई है वो संदर्भ में खत्म हो जाते हैं, तो जो बात छपती है या सुनते हैं रेडियो में या टेलीविजन देखते हैं तो संदर्भ को हटके जो बात होती है उसके मतलब दूसरे निकल जाते हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, इतना मैं कह सकता हूँ। सर कल रिव्यू बैठक के बाद कोई परिवर्तन संगठनात्मक हो? अभी तो राहुल गांधी जी को हमारी कमान संभालनी है, कांग्रेस की तमाम नेताओं का एक स्वर में उनको ये उनसे विनती की गई है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मुद्दा आधारित राजनीति देश में करी है आज देश उनको अप्रिशिएट करता है, चाहे वोट हमें मिले या नहीं मिले हों, हर व्यक्ति की जुबान पर है कि ये इंसान दिल से बोलता है, ये इंसान मुद्दा आधारित बात करता है, ये इंसान करप्शन के ऊपर जो घेरा मोदी जी को उनका जवाब आज तक नहीं आया है राफेल का, इन्होंने किसान की बात करी उसकी बात कोई की नहीं गई है, नौजवानों की नौकरियां नहीं मिल पाई है, धोखा दिया गया देश को उसकी बात की गई है, आज माहौल उनके पक्ष में है। जो हम बोलते हैं तो हमारी आलोचना ज्यादा होती है, सोशल मीडिया पे हमले होते हैं हमारे ऊपर, हम जानते हैं इस बात को, पर सच्चाई की अंतिम जीत होती है, झूठ जीत सकता है असत्य जीत सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, अंतिम विजय सत्य की होती है, अंतिम विजय सत्य की होती है, अंतिम विजय सत्य की होगी मैं कह सकता हूँ।